दोस्तों आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज हमारा देश कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहा है। हमारा देश ही नहीं पूरा विश्व इस महामारी का शिकार है। चाइना से लेकर के ये बीमारी चली अमेरिका, इटली, स्पेन, बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। तो आज हम आपको दोस्तों बताते हैं कि कोरोना का जो स्टेज वन, स्टेज टू और स्टेज थ्री क्या है। मान लीजिए कि राजू नाम का कोई व्यक्ति है जो विदेश गया है। जब वो विदेश से भारत आता है तो भारत आता है एयरपोर्ट में, उसको शपथ पत्र भराया जाता है शपथ पत्र में, और उसको एक टोल फ्री नंबर दिया जाता है और उसको चेक किया जाता है। चेक करने के दौरान उसको कोरोना जैसे उसके बॉडी में कोई भी ऐसे लक्षण नहीं दिखते हैं और उसको बोला जाता है कि आप घर जाइए, यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टोल फ्री नंबर में संपर्क करेंगे और आप अपने को 14 दिन तक अपने घर में अलग, अपने परिवार और अपने मोहल्ले से अलग करके रखिएगा। राजू अपने घर जाता है, घर जाने के बाद वो क्या करता है, वो अपने को अपने फैमिली से और अपने जो मोहल्ला होता है और अपने जो अगल बगल के आदमी होते हैं उनसे सबसे अलग करके एक रूम में रहता है और अपने परिवार के मेम्बरों से भी नहीं मिलता है। 3-4 दिन बीतने के बाद उसको हल्का बुखार और खांसी जुकाम जैसा लक्षण समझ में आने लगता है और जो एयरपोर्ट में उसको टोल फ्री नंबर दिया गया था उसमें वो कॉल करता है और कॉल करने के बाद वो बताता है कि हमको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। टीम आती है, उसका जांच किया जाता है। जांच किए जाने के बाद क्या होता है, वो जब जैसे ही टीम जांच करती है तो उसको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और उसको बताया जाता है, उसको ले जाते हैं। ले जाने के बाद उसको 14 दिन तक रखा जाता है। इसके बाद राजू एकदम अच्छे तरीके से ठीक होके अपने घर आता है। तो राजू ने सावधानी से प्रोटोकॉल का पालन किया तो वो खुद ठीक हुआ और साथ साथ उसने अपने परिवार को बचाया, अपने अगल बगल के जो आदमी है उनको सबको बचा के रखा, क्योंकि वो दूसरे आदमी से नहीं मिला जिसके कारण कोरोना जो है वो दूसरे आदमियों में नहीं फैला। ये आपका क्या है, ये है स्टेज वन। अब स्टेज टू क्या है, स्टेज टू जैसे मान लीजिए कि नितिन नाम का कोई व्यक्ति है जो बाहर से आता है और आता है एयरपोर्ट में, आता है एयरपोर्ट में सेम उसको शपथ पत्र भराया जाता है और उसको भी टोल फ्री नंबर दिया जाता है और उसको भी बोला जाता है कि आपको ऐसा कुछ होता है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे संपर्क करें। वो व्यक्ति को भी उस समय जब आता है तो उसको ऐसे कोई लक्षण नहीं होते, उसको भी छोड़ दिया जाता है और बोला जाता है कि 14 दिन आप अपने रूम पे ही रहें और अपने परिवार से दूरी बना के रखें। वो जो नितिन नाम का व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो बिजनेसमैन होता है, उसका अपना एक दुकान होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे आता है 1-2 दिन तक अपने घर में रहता है, दूसरे तीसरे दिन वो क्या करता है, बिना बताए या किसी को बिना प्रोटोकॉल का फॉलो किया हुआ अपने दुकान जाता है और दुकान में जाकर वो सामान को बेचना चालू करता है। अब उसमें क्या है, रामू नाम का एक व्यक्ति है जो वहां से सामान लेता है और रामू जैसे ही 200-250 और आदमी है जो वहां से सब सामान लेके जाते हैं। 5 दिन बाद क्या होता है, जो अपना नितिन नाम का बिजनेसमैन था उसको बुखार और खांसी चालू हुआ। उसने क्या किया, जो सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर दिया गया था उसमें उसने संपर्क किया, टीम आती है। और इसमें एक था नितिन जो था वो अपने परिवार से पूरा हिल मिल के रखा था, उसने प्रोटोकॉल का बिल्कुल ही पालन नहीं किया, वो अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने बच्चे सबके साथ मिलजुल के था। 3-4 दिन बाद जब उसको ऐसे लक्षण दिखाई दिया उसने टोल फ्री नंबर में कॉल किया, कॉल करने के बाद टीम आती है, जांच करती है, जांच करने के बाद उसको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। उसको ही नहीं उसके पूरे परिवार में कोरोना फैल जाता है। इसके बाद जब वो अपने दुकान में बैठता है तो 250 आदमी उससे सामान लेके जाते हैं तो सरकार क्या करती है, उन 250 आदमियों का जांच करती है। जांच करने के बाद उनमें से एक व्यक्ति जो रामू है वो पॉजिटिव पाया जाता है। तो ये जो नितिन नाम का व्यक्ति था जो बाहर से आया था और रामू जो बिल्कुल कहीं गया ही नहीं, बाहर कभी गया ही नहीं, अपने घर से सिर्फ दुकान तक आया, तो ये बिजनेसमैन से रामू तक जो वायरस फैला और जब उसको चेक किया गया तो बाकी जो 249 आदमी थे वो निगेटिव पाए गए, सिर्फ एक आदमी पॉजिटिव पाया गया। लेकिन एक आदमी भी पॉजिटिव पाया गया तो वो क्या हो गया, वो स्टेज टू हो गया, यानी इस व्यक्ति से जो दूसरे व्यक्ति में गया वो हो गया आपका स्टेज टू। तो ये आपका हो गया स्टेज टू और रामू पॉजिटिव पाया गया, इसके साथ साथ इसका पूरा परिवार, ये आपका स्टेज टू हो गया। अब स्टेज थ्री क्या है, स्टेज थ्री ऐसा जिसको स्रोत का कुछ पता ही नहीं कि आखिर, जैसे सपोज दैट नैतिक नाम का कोई व्यक्ति है जिसको कोरोना हुआ है,
उसको यही नहीं पता कि हमको कहां से हुआ, वो कभी बाहर भी नहीं गया और अपने अपने जिले से भी बाहर नहीं गया, उसको कैसे हो गया? उसको यही नहीं पता कि उसका स्रोत कहां से आया। ये आपका स्टेज थ्री का जो है वो क्या करता है, उसको पता नहीं है कि मेरे को कोरोना हुआ है या ऐसे कुछ उसको लक्षण नहीं होते, और वो मंदिर, मस्जिद, पब्लिक प्लेस और रेलवे स्टेशन ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में घूमता है और उसके संपर्क में जितने भी आदमी आते हैं, अब किस किस आदमी को हुआ है, कौन कौन आदमी कहाँ कहाँ गया है, ये बिल्कुल किसी को नहीं पता है। ये बहुत ही डेंजरस स्टेज है, जो आपका स्टेज थ्री है ये इतनी भयानक है कि इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर ये कहाँ से और कैसे फैल रहा है। इसी के लिए ये हमारी सरकार जो 21 दिन का लॉकडाउन किया है, लॉकडाउन का पर्पस क्या है, ह्यूमन चैन को ब्रेक करना, यानी सपोज दैट हम लोग तीन या चार आदमी हैं, चारों आदमी को एक दूसरे से अलग करना, हम सब आदमियों को बोला गया भाई अपने अपने घरों में रहने के लिए। तो जो स्टेज थ्री है, जिस आदमी को हुआ है, हम लोग सब अपने अपने घर में होंगे, दूसरे आदमी से नहीं मिलेंगे, तो जिन आदमी को हुआ है वो अपने घर में रहेंगे, ऑटोमेटिक दो तीन दिन बाद, चार दिन बाद उनके कोरोना के लक्षण जो हैं वो निकलेंगे, और निकलने के बाद वो डॉक्टर के पास जाएगा तो हम उसका पता कर सकते हैं, और डॉक्टर के पास जाने के बाद हम उसको पकड़ सकते हैं और ठीक हो सकता है वो व्यक्ति। लेकिन यदि हम इसको लॉकडाउन नहीं करते हैं तो ये कहां कहां फैल के कितना दूर तक जाएगा इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो स्टेज टू और स्टेज थ्री ये बहुत डेंजरस है, इसीलिए हमारी सरकार ने जो गाइडलाइन या जो चीजें लॉकडाउन के लिए बोला गया है, आप लोगों से अनुरोध किया गया है, इनको आप पालन करिए, आप अपने परिवार का, अपने सदस्य का, अपने देश का, सबका सहयोग करिए, जिससे कि हमारा परिवार स्वयं, हमारा परिवार, हमारा देश सभी सुरक्षित रहे और ये एक महामारी में हम लोग विजय पा सके, कोरोना जैसे महामारी में हमारा देश विजय पा सके। इसके साथ धन्यवाद।